बीसल में समाज सेवी शिक्षक पुरानी से पुरानी पत्री की जड़ी बूटियों के द्वारा करते हैं मुफ्त इलाज, जनता बोली धन्यवाद। बीसलपुर चेयरमैन डॉक्टर नूर अहमद अंसारी के निकट समाज सेवी शिक्षक डॉक्टर ईशाक हुसैन का दावा है कि पथरी रोग के इलाज को जड़ी बूटियों की दवाई पिलाकर सही कर देते हैं। उन्होंने बताया ये काम सिर्फ समाज सेवा के लिए करते हैं, ये दवाई के में जनता के लिए मुफ्त में उपलब्ध कराते हैं। अभी तक पथरी रोग की जितने लोग दवाई ले गए हैं सभी को उस दवाई से लाभ मिला है। आपको बता दें प्राथमिक विद्यालय नीवा डांडी में डॉक्टर ईशाक हुसैन सरकारी शिक्षक हैं एवं समाज सेवा में सदैव अग्रणी रहते हैं। पथरी रोग जो आम जनता के लिए परेशान कर देता है उसके उपचार की क्या विधियां हैं? मैं सूफी डॉक्टर ईशाक हुसैन प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय नीवा डांडी बीसलपुर से हूँ और जैसा कि आपने पूछा है पथरी के मुतालिक, तो ये पथरी गुर्दे में बनने वाली कष्टकारक बीमारी है जो आमतौर पर हमारे सभी इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा व्याप्त है। लिहाजा मेरे पास एक जड़ी बूटी है जो मैंने बनाई है, उसको पिलाने से एक दो खुराक में पथरी निकल जाती है कितनी भी बड़ी हो, और बार बार भी अगर किसी के गुर्दे में बनती है तो उसको भी बनने से रोकती है और बनी हुई पथरी को पिघला देती है। मैं जिसका समाज सेवा के लिए हर वक्त रहता हूँ, किसी से कोई उसकी फीस नहीं लेता हूँ, निःशुल्क सेवा करता हूँ। इसकी दवाई का चार्ज क्या रहेगा डॉक्टर साहब? मैं किसी भाई बहन से इसके पैसे नहीं लेता हूं और मैं निःशुल्क सेवा करता हूं। अगर कोई हमारे कमज़ोर आर्थिक स्थिति के भाई बहन हैं और आने जाने में भी अगर कोई दिक्कत होती है तो हम उनको किराया भी दे देते हैं अपने पास और दवा भी निःशुल्क पिलाते हैं। कोई चार्ज अपने क्षेत्र की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए प्ले स्टोर से पब्लिक बाई ऐप डाउनलोड करें।